वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का एक अहम पहलू है। इस अधिकार के उपयोग के लिए सोशल मीडिया ने जो अवसर नागरिकों को दिए हैं, एक दशक पूर्व उनकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। दरअसल इस मंच के जरिए समाज में बदलाव की बयार लाई जा सकती है, लेकिन चिंता का विषय है कि मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया अपनी आलोचनाओं के लिए चर्चा में रहता है। दरअसल सोशल मीडिया की भूमिका सामाजिक समरसता को बिगाड़ने और सकारात्मक सोच की जगह समाज को बांटने वाली सोच को बढ़ावा देने वाली हो गई है। सोशल मीडिया से समाज में दुष्प्रभाव पैदा कर रहे हैं, साथ ही सकारात्मकता की तुलना में नकारात्मकता का अधिक प्रभाव है। उक्त विचार संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के 66वें स्थापना उत्सव एवं G20 सम्मेलन के उपलक्ष्य में योग साधना केंद्र में आयोजित सोशल मीडिया के सामाजिक प्रभाव दशा एवं दिशा विषयक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र में वक्ताओं ने किया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरेराम त्रिपाठी ने अध्यक्षता करते हुए कहा कि सोशल मीडिया दुनिया भर के लोगों से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है और इसने विश्व में संचार को नया आयाम दिया है। सोशल मीडिया उन लोगों की आवाज बन सकता है जो समाज की मुख्य धारा से अलग है, जिनकी आवाज को दबाया जाता है। विश्व में संगणक के विकास में जो लोग भी हैं, उनमें सबसे अधिक योगदान भारतीय समुदाय का है। इससे हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। नई शिक्षा नीति 2020 से IKS के माध्यम से संपूर्ण विश्व में एक सकारात्मक क्रांति का संचारण हुआ है। इससे सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव को रोकने में सहायता प्राप्त होगी। नवाचार के माध्यम से राष्ट्र उत्थान एवं विश्व उत्थान का मार्ग प्रशस्त करने पर कार्य करने की जरूरत है। आज देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री सदैव नवाचार के माध्यम से देश को नई दिशा देकर वैश्विक स्तर पर ले जाने का कार्य किए हैं। इसलिए सदैव सकारात्मक कार्य से ही नई ऊर्जा का संचार होगा। कुलपति प्रोफेसर त्रिपाठी ने कहा कि सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रभाव के साथ नकारात्मक प्रभाव भी बहुत है। इसके जरिए लोग भ्रामक और गलत जानकारी भी फैलाते हैं, जिससे लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब सरकार बहुत सख्ती में आ गई है। गलत बातें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। सामाजिक विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर राजनाथ ने वार्षिक स्वागत भाषण किया। उद्घाटन सत्र में कुलसचिव प्रोफेसर रामकिशोर त्रिपाठी, हैदराबाद से पधारे प्रोफेसर मधुसूदन, प्रोफेसर रमेश प्रसाद, प्रोफेसर जितेंद्र कुमार, प्रोफेसर सुधाकर मिश्र, प्रोफेसर हरिकांत चक्रवर्ती, प्रोफेसर विजय कुमार पांडे, प्रोफेसर विधु द्विवेदी, प्रोफेसर महेंद्र पांडे, प्रोफेसर अमित कुमार शुक्ल, डॉक्टर रविशंकर पांडे तथा पत्रकारिता विभाग के विद्यार्थी एवं IAJ परिवार के सदस्य उपस्थित थे। सोशल मीडिया आज सूचनाओं के प्रसारण का एक बड़ा ही सशक्त माध्यम बन करके उभरा है और ये एक हर व्यक्ति को ये शक्ति प्रदान करता है कि वो सूचनाओं का प्रसारण देश विदेश में क्षण मात्र में कर सके। और आज के समय में हम जानते हैं कि सूचना एक प्रकार की शक्ति संरचना है। जिसके पास जितना सूचना प्रसारित करने का माध्यम होगा, शक्ति होगी, वो उतना ही सामाजिक गतिविधियों को, राजनीतिक गतिविधियों को नियंत्रित कर सकेगा।